और चलिए बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत 683 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। आज बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प कि किस तरीके से किन मुद्दों पर यहाँ के लोग आज वोट डालने पहुंचेंगे। 81 सीट है जिनमें से आज 43 सीटों पर मतदान है और आपको बता दें पहला चरण ये जिसके लिए वोटिंग लगातार जारी है और राजधानी रांची समेत जो अन्य कई जिले हैं उन पर भी वोटिंग हो रही है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही जो कतार है वो लग गई थी और रांची से संवाददाता सूरज कुमार और कोडरमा से संवाददाता उत्कर्ष कुमार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। सबसे पहले सूरज आप ही के पास, राजधानी रांची में भी आज ही चुनाव, किस तरह का माहौल, किस तरह की तस्वीरें? देखिए पूरे झारखंड की अगर बात करें तो 43 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है, शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। लेकिन जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है वहां पे शाम 4 बजे तक पोलिंग की समय रखी गई है। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र में। ये हटिया विधानसभा सीट का ये क्षेत्र है। आप देखिए सुबह से हालांकि अभी थोड़ी भीड़ कम हो गई है ठंड के वजह से, लेकिन जो भीड़ की संख्या है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि जिस तरह से अब धूप जैसे चढ़ रहे हैं वैसे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार झारखंड विधानसभा असेंबली इलेक्शन की अगर बात करें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत 4 मंत्रियों की किस्मत वो ईवीएम में आज बंद होगी। इसके अलावा कई ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जो कि लगातार वो जीतते आए हैं, उनके भी आज भाग्य का फैसला होना है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड के 43 सीटों पर मतदान सुबह से शुरू है। कुछ महिला वोटर्स है, एक थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे। आपने वोट कर लिया जी? ये सीनियर सिटीजन, हम इनसे बात करते हैं। आपने वोट कर लिया, इस पर मुद्दा क्या रहा आपका वोट का? कैसा सरकार चाहिए इस बार जो विकास करे और ईमानदारी से? बिल्कुल, देखिए कई ऐसे लोग हैं, उनसे ये बात करेंगे विकास के लिए। आपका क्या रहेगा मुद्दा इस बार वोट का? आइए सामने आइए, आइए आइए आइए, इस बार क्या रहेगा आपका मुद्दा वोट का? आइए, मुद्दा रहेगा विकास, शिक्षा और बस देख रहे हैं। और कैसा, अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें, उनका कार्यकाल 5 साल जो टर्नओवर वो रहा, लेकिन किस तरह का काम हुए हैं इस सरकार में? नहीं ये सिर्फ जुमलेबाजी है। अच्छा, अभी सरकार तो कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार चेंज होनी चाहिए इस पर। झारखंड में विकास शिक्षा की अगर बात करें तो किस तरह का काम हुआ है? चलिए ठीक है सूरज, जो बात है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह से काम हुआ है, क्या बदलाव चाहती है यहाँ की जनता, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप रहिए हमारे साथ, कोडरमा से संवाददाता उत्कर्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए। उत्कर्ष, ये विरासत की लड़ाई तो होगी ही, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी भाग्य का फैसला इस झारखंड के चुनाव में होने वाला है। उत्कर्ष, बिल्कुल खुशबू, देखिए विरासत की लड़ाई जरूर है और देखिए लोकतंत्र का एक महापर्व होता है चुनाव, चुनाव हो रहा है। देखिए झारखंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोडरमा की ये तस्वीरें हैं, मॉडल बूथ है और यहाँ पर सुबह से ही लोग जो है वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुँचे हैं। मतदान केंद्रों पर किस तरीके से जो लोग हैं वो आ रहे हैं मतदान कर रहे हैं और मॉडल जो टाउन कह सकते हैं कि जो बूथ होता है वहाँ पर कई सुविधाएँ आमतौर पर होती है, किस खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है पहले मॉडल टाउन को वो दिखाने की कोशिश करेंगे। कई लोग जो है वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं मतदान केंद्रों पर, क्योंकि करीब 4 लाख से ज्यादा यहाँ पर मतदाता हैं, 2 लाख के करीब महिलाएं हैं और 2 लाख जो पुरुष हैं वो हैं और 400 से ज्यादा जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपने वोट दे दिया है? हाँ, हम दे। किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? क्या क्या लगता है कि यहाँ पर किस चीज की कमी है, कुछ कमी नजर आती है? जी ठीक है उत्कर्ष, चलिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ये चुनाव, देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में किस तरीके से पूरा मतदान होता है। शाम 5 बजे तक का वक्त है जब मतदान करेंगे यहाँ के लोग। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार रहेगी इस पर नजर।